प्यारे, भगवान कहते हैं कि मैंने इन मनुष्यों को बनाया है और ये मनुष्य योनि में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, पर दुर्भाग्य देखो इनका, ये बुरे कर्म कर करके, मद्यपान महापाप है, मांस भक्षण महापाप है, और भी उल्टे सीधे काम महापाप है। इन कामों को कर करके मनुष्य अपनी मनुष्य योनि बिगाड़ रहा है, इनके लिए हम क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण से सर्वेश्वरी राधा रानी पूछती हैं, आपने इनके लिए कोई उपाय सोचा है जिससे इनका कल्याण हो जाए। एक बात और हम पूछ लेते हैं आपसे, थोड़ा बताइए, प्लामू के गांव में, एक गांव में माँ बाप रहते हो और उनका एक बच्चा प्लामू में आ गया हो यहाँ डाल्टनगंज में, और अचानक से रात के 2 बजे बेटे का फोन जाए कि पापा आई एम वेरी अपसेट, आई एम इन ट्रबल, पिताजी मैं परेशान हूं, और जबकि पिताजी तो आराम से सो रहे हैं बिस्तर में, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी, कम्बल ओढ़ के सो रहे थे, अचानक से फोन बजा, तो अब बताओ बच्चे के फोन को सुनने के बाद क्या पिताजी चैन की नींद सो पाएंगे? जवाब दो, क्यों नहीं सो पाएंगे, परेशानी में तो बैठा है, पिताजी को क्या? अरे साहब रिश्ता है, आप कैसे बात कर रहे हो, रिश्ता है ना, रिलेशन है। अगर संतान दुखी होगी तो मां बाप भी दुखी होंगे, हां जी कि ना जी, पक्का? तो जिन मां बाप को आप दुखी देख रहे हो ये तो एक जन्म के अभी मिले, हर जन्म के तो ये नहीं है, हर जन्म के मां बाप कौन है? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। बताओ माताजी कौन है? भगवान। पिताजी कौन है? भगवान। सखा कौन है? भगवान। सर्वस्व कौन है? भगवान। तो जब माता पिता भगवान है और हम दुखी हैं, हम बुरे कर्म करें और हम बुरी योनि में जाएं, फिर नरकों में कष्ट पाएं, तो भगवान को दुखी होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा हमारे दुख देख के? हमारे बोलो बोलो, वो दुखी है कि लोगों का कल्याण कैसे किया जाए। सर्वेश्वरी राधा रानी ने कहा, आपने कोई उपाय सोचा है? बोले एक उपाय है। बोले क्या? कि कोई हमारा दूत जाए और हमारी कथाओं का गायन करे और हमारी कथाओं का गायन इनको सुनाए, और जब ये हमारी कथाओं का गायन सुनेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। धीरे बोलिएगा, जोर से नहीं, और धीरे बोलो, और धीरे बोलो।